सुनाने वाली हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी लियूसिया नाम की लड़की के बारे में, जो बेकार की बातों और सुपरस्टिशंस पर यकीन करती थी। गर्मियों की रात को उसने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल एक मील चलकर शहर आया था। वह भूखा था, इतना भूखा कि जो मिला उसे खा रहा था। फिर उसने लड़की को देखा और अपने मुंह में उठा लिया। उसे लगा कि वो मजेदार खाना है। लियूसिया डर के मारे जाग गई। उसने अपना कंबल दांतों से दबाया हुआ था और फिर डरते हुए उसने सामने वाले आईने में देखा कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। ओह, वो सपना कितना भयानक था, बहुत ही डरावना। ये तो एक बुरा शगुन है, लियूसिया ने सोचा। वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो वो उसका खाना नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही बैठी रही, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे सपने आगे होने वाली बातों का संकेत होते हैं। और फिर अगली सुबह लियूसिया बेड के गलत तरफ से नीचे उतरी, और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे पता था आज कुछ अच्छा नहीं होगा। बाहर का मौसम तो बड़ा ही अच्छा और सुहाना था। पंछी चहक रहे थे और बाहर बच्चे मजे से खेल रहे थे, पर फिर भी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ होगी। लियूसिया ने खुद को आईने में देखा। अब मैं समझी, यकीन नहीं होता मैंने अपनी शर्ट उल्टी पहनी है। ये तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ओह, इसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं घर के बाहर निकलूंगी ही नहीं। हो सकता है प्लेग्राउंड में कोई चोर मिल जाए और उसकी मदद कोई लुटेरा कर रहा हो। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मुझे पीट पीट कर मेरा हाल बिगाड़ देंगे। ओह, बेहतर होगा आज भी मैं घर पर ही रहूं। मुझे तो बाहर टहलने जाने से और खेलने से डर लग रहा है। अगले दिन न्यूज में मौसम की जानकारी देने वाली ने कहा मौसम अच्छा रहेगा, इसीलिए लियूसिया जल्दी जल्दी टहलने जाने के लिए तैयार हुई। वो अच्छा दिखने के लिए अपने बाल सवारने लगी और वो आईने में खुद को निहार ही रही थी, तभी अचानक टीवी पर भविष्य बताने वाला एक जादूगर आया और उसने कहा, जिन लड़कियों का जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ है, आज उनका दिन बहुत ही बुरा जाएगा। घर से बाहर ना निकलो और दूर रहो क्वीन ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स से। लियूसिया डर से कांप उठी और आईने को फर्श पर गिरा बैठी। उसके हॉरोस्कोप के मुताबिक उसका जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ था। जो आईना फर्श पर गिरा था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लियूसिया को ये एक बुरा संकेत लगा। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। अगर वो बाहर निकली तो हो सकता है कि वो अपनी साइकिल से गिर जाए, या फिर बरामदे में एक वोल्केनो निकल आए, या फिर पार्क में तेज तूफान आकर उसको उड़ा ले जाए। आज मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मेरा घर पर रहना ही बेहतर होगा। और हर एक दिन हर तरह के संकेतों और सुपरस्टिशंस की वजह से लियूसिया डर के मारे घर पर रहती। दिन निकलते जा रहे थे और गर्मियां खत्म होने ही वाली थी, और सुपरस्टिशियस लियूसिया ने अपना पूरा वेकेशन अपने बंद कमरे में गुजार दिया था। दिन निकल गए थे। स्कूल के पहले दिन पर लियूसिया ने देखा कि उसके पास खड़े उसके दोस्त बड़े ही खुश और तरोताजा लग रहे थे। उसने अपनी सारी छुट्टियां बुरे सुपरस्टिशियस और संकेतों से डरने में बिता दी थी, जबकि दूसरे बच्चे पार्क में मजे से खेल रहे थे। सिर्फ लियूसिया ही अपनी सारी छुट्टियां बिगाड़ने पर तुली हुई थी। उन सुपरस्टिशियस संकेतों का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई थी। उसे इस बात
अफसोस था। उम्मीद है आप बेचारी ल्यूसिया का हाल समझ गए होंगे। एंजॉय करना हो वेकेशन तो दिमाग से निकालो सुपरस्टिशन। Thank you.
बदलना नामुमकिन होता है। मैं समझ गई। अजीब नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर से चेकअप कर लेती हूँ।
जल्दी चलो, जल्दी चलो, और तेज, और तेज, चलो चलो, उसे रोको। मुझे पेशेंट का इलाज करना अच्छे से आता है। Coming back ain't easy. आ गए, हम आ गए माशा, वहीं जहाँ से चले थे। हाँ, मुझे पता था बिल्कुल ऐसा ही होगा। उन्होंने हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया, वापस यहाँ छोड़ गए। प्लीज प्लीज तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मैं फिर कभी ये गलती नहीं करूंगी। नहीं, आखिर ये सब कैसे हो गया? हाँ? प्लीज इसे समझाओ, इसे पूरी कहानी बताओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ, शायद बता पाऊँ। हुआ यूं कि ठीक से बताओ, सब सच कहो। चलो एक काम करती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम कितने बड़े हो गए हैं बस ऐसे ही। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। अब मैं पहले से बड़ी हो गई हूँ, मुझ जैसा समझदार और कोई नहीं। हाँ।
कहते हैं असल में बड़ा होना। मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं एक बच्ची नहीं हूँ। में इसमें अब भी बचपना भरा पड़ा है और इसीलिए हम इसे वापस ले आए। नहीं, अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। थैंक यू बेर। अच्छा, डॉली के साथ कौन खेल रहा था? और किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यारे कप को लेने की? और किस गंदे बदमाश ने मेरे प्यारे कमरे को एक कबाड़ खाने में बदल दिया? बताओ कौन था वो गंदा बदमाश? चलो जाने दो, मैं तो बस घर आकर खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम सब मेरे वापस आने से खुश हो। मुझे भी हाय कहना है। लो आ गया हमारा प्यारा पांडा, हमारा प्यारा दोस्त। तुम्हारी मदद करके ही रहूंगी। जरा वहां देखो दिन में तारा।
क्या आपको पता है सबसे डरावना त्योहार कौन सा है? नहीं, वो हैलोवीन नहीं है। कई बच्चों को डर लगता है क्रिसमस ईव से। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, क्रिसमस ईव पर कुछ पेरेंट्स अपनी बेटी सोनिया को घर पर अकेला छोड़ गए और वो थिएटर गए एक अच्छा सा प्ले देखने के लिए। घर में गर्माहट थी, टीवी चल रहा था जिस पर आ रहे थे कार्टून्स, और वो बच्ची क्रिसमस ट्री से कैंडीज निकाल कर खा रही थी जब उसे ख्याल आया, ओह, क्रिसमस ईव पार्टी जल्द ही शुरू होगी, सारे मेहमान तोहफे लेकर आएंगे, ओह, मुझे सबके सामने गाना गाना पड़ेगा और पोयम सुनानी पड़ेंगी। ये बड़ी डरावनी बात थी। ये बात तो पूरी क्लास के सामने बोर्ड पर लिखने से भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक एक आवाज आई और टीवी में से किसी ने कहा, नन्ही बच्ची, सारे मेहमान रास्ते में ही हैं, वो पास वाली गली में हैं। सोनिया इतना चौंक गई कि कैंडी उसके गले में अटक गई और टीवी से आवाज आती ही रही, नन्ही बच्ची, मेहमान सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। अचानक ही सोनिया को सीढ़ियों के पास से आवाजें आती सुनाई दी, चलने की, हंसने की, खिलखिलाती हुई आवाजें, और टीवी से फिर से आवाज आई, नन्ही बच्ची, सारे मेहमान हॉल में पहुंच चुके हैं, और क्लिक, टीवी बंद हो गया। ओह, अचानक तीन लोग दौड़ते हुए कमरे में आ गए और बनी मास्क पहने हुए आदमी ने सोनिया को एक स्टूल पर खड़ा किया और वो लोग उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। वो नाचते हुए जोर जोर से हंस और चिल्ला रहे थे उसके कान में, कितनी प्यारी बच्ची है, प्लीज हमें एक पोयम सुनाओ, एक गाना गा दो, तुम एक अच्छी बच्ची हो ना। सोनिया को उस वक्त बोलने के लिए एक भी पोयम याद नहीं आ रही थी। उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, माथे पर पसीना था और पैर कांप रहे थे। वो सोच रही थी उसे और भी डर लगेगा अगर उसे सांता क्लॉस के सामने पोयम सुनानी पड़ गई तो। तभी मेहमानों ने कहा, चलो सांता को बुलाएं। सोनिया पीछे मुड़ी और सांता उसके सामने ही खड़े थे। उसके बाद उसका स्टूल हिलने लगा और लगा जैसे वो स्ट्रेच हो रहा हो। सोनिया ने नीचे देखा और फर्श उससे दूर, बहुत दूर होता चला गया। फर्श दूर हो गया और छत उसके पास आती चली गई। सोनिया ने स्टूल को अपने हाथों और पैरों से कस कर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। वो बस वहाँ पड़े पड़े सोचती रही, ओह, काश कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। और फिर नीचे से सांता ने चिल्ला कर कहा, क्रिसमस पोयम्स के बिना कभी शुरू नहीं होगा, हो हो हो। और ठीक उसी वक्त सोनिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। उसने देखा दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी लैंप से लटक रहा था। तैयार हो जाओ, बस एक मिनट में तुम्हें हम सबको एक अच्छी सी पोयम बोलकर सुनानी होगी। सोनिया जोर से चिल्लाना चाहती थी पर जब उसने मुंह खोला तो वो बस इतना ही बोल पाई, मुझे पोयम सुनाने से डर लगता है, मुझे लगता है मैं कोई गलती कर दूंगी, मेरी किसी गलती की वजह से त्योहार का मजा ना चला जाए। ओ, काश कि मेरा ये डर ठीक हो जाए बस पलक झपकते ही। फिर उसे एहसास हुआ कि सांता उसके पोयम बोलने की राह देख रहे थे। उसने कहा, मैं नीचे आती हूँ, सुनाती हूँ पोयम, और कोई चारा नहीं है। मेहमानों ने कहा, शाबाश, और वो जोर जोर से स्टूल को हिलाने लगे। सोनिया ने झट से अपनी आंखें बंद कर दी और वो स्टूल से नीचे गिरने लगी और अचानक ही वो जाग गई। उसने आंखें खोली और देखा उसके पेरेंट्स मुस्कुरा रहे थे, वो उसे जगा रहे थे, चलो उठो स्वीट हार्ट, अगर सोती रही तो सांता और उनके तोहफों को मिस कर दोगी। सोनिया ने उनके कंधे से झांका और सांता सच में आए थे। उन्होंने अपना थैला फर्श पर रखा, स्टूल पर खड़े हुए, सबके सामने बाव किया और बैंग, उन्होंने एक पोयम सुनाना शुरू किया। बस याद रखना मेरा ये कहना, पोयम सुनाने से कभी मत डरना, इसमें नहीं है कुछ भी भयानक, इसी से आती है त्योहारों में रौनक। और तभी सोनिया को अपना सपना याद आया, उसने सांता को स्टूल से नीचे उतारा और खुद परफॉर्म करने लगी। अब मैं समझ गई, डरने जैसा कुछ नहीं, किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं, बस स्टूल पर खड़े हो जाओ और पोयम सुनाओ। पोयम सुनाना नहीं है एक सजा, इसमें तो है बड़ा ही मजा। फिर उसने एक अच्छी सी पोयम सुनाई और फिर वो करने वाली थी डांस और गाने वाली थी गाना।
अच्छा तो ये बात है, ये है सुंदर होने का तरीका। वाह क्या बात है, ये सब कितना अच्छा है। मैंने सीखा फैशन से, इम्प्रेस करते हैं कैसे, जो सुंदरता ना रहे ब्यूटीफुल कोई ना कहे। है ये मुश्किल पर मैं हूँ काबिल, ये मैं जानती हूँ, हर चीज को पहचानती हूँ। क्रीम और पाउडर फाउंडेशन करने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, तुम सब मुझसे अब कुछ तो सीखो। शैडोज ब्लश और ग्लॉसी लिपस्टिक, वो करे काम और करे नाइस ट्रिक, मैं बन जाऊंगी रानी देखो। कोशिश की बस करती हद, जिससे हुआ मुझको दर्द, कर ना पाऊँ मैं तो मेकअप, अच्छा है बन जाऊँ बतख। छोड़ दूंगी ये सब, ना करना मेकअप, मैंने मान लिया हद से ज्यादा ये क्या कर लिया। जब देखा जाके आईना, बात मेरी समझ आई ना, स्कैरी दिख रही हूँ मैं पूरी। डालो मुझ पर अपनी नजर, लगती हूँ कितनी भयंकर, ज्यादा मेकअप पड़ गया भारी। तुम ऐसे लेटे क्यों हो, इतनी सारी सुंदरता तस्वीरों में कैद करो। बनी, क्या तुम भी मेरी तरह सुंदर दिखना चाहते हो? हमारे देश के सबसे बड़े फुटबॉल अरीना से, जहां इस सीजन का आखिरी मैच शुरू होने वाला है, और यही मैच तय करेगा कि चैंपियनशिप किसे मिलेगी। दोनों टीम्स पिच पर आ चुकी हैं और अब और मैच शुरू हो गया है। अब सबकी नजरें बस इसी गेम पर टिकी हैं।
हमारी टीम ने बॉल पर कब्जा कर रखा है ताकि सामने वाले उसे हासिल न कर सके। वो बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास करते हुए ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स तक आ रहे हैं। हमारे स्ट्राइकर ने शूट करने की कोशिश की, बॉल ओपोनेंट के डिफेंडर पर से उछली और गोलकीपर के पास जाकर गुड आफ्टरनून प्यारे दर्शकों, ये है हमारा वीकली हेल्थ प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मिटाने के अलग अलग तरीकों के बारे में। स्ट्रेस हम आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे जो बस 10 मिनट में स्ट्रेस को मिटा देगी। सबसे आसान तरीका है किसी रिक्लाइनर या आरामदायक कुर्सी पर बैठकर शांति से चैन की सांसें लेना, या आप गर्मा गर्म चाय का मजा भी ले सकते हैं, या फिर आप तब में नहाने का गर्म पानी भरकर बड़े आराम से उसमें बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मुंह बंद रखकर नाक से गहरी सांस लें और फिर अपने चेहरे के निचले हिस्से को पानी में डुबाएं और फिर नाक से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। बस याद रखें, इनमें से कोई भी तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी तकलीफ ठीक है। तनाव और थकावट आपका जीना मुश्किल कर सकते हैं, पर इतना याद रखिए कि आपको देर सवेर एक सेल फोन तकलीफों का हल मिल ही जाता है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ओए, मैं जंगल में टहलने जाऊं? वहां तो वुल्फ्स होते हैं ना? ठीक है, मैं नंबर डायल कर रही हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ के अंत में ओपनिंग टीम के एक खिलाड़ी को फाउल करने के लिए पेनल्टी दी गई थी। सारे खिलाड़ी फिर से फील्ड पर आ चुके हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सेकंड हाफ के अंत में जोड़े गए एक्स्ट्रा मिनट भी अब खत्म होने वाले हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सभी खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगता है कि अब मैं नंबर डायल कर रही हूँ। हमारी टीम के फॉरवर्ड ने डिफेंडर को टॉच किया है। मैं डायल नंबर कर रही हूँ और बॉल को सीधे गोल की ओर भेज दिया। और अब चलो भागो। एक और गोल।
फोन की घंटी सुन ली। पता है मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है। जब मिलते हैं तोहफे और आता है बहुत मजा। पर याद रहे, पटाखे फोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अगर उन्हें गलत तरीके से जलाया गया तो उनका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। बस ये कहानी सुन लो। The Snow Maiden। एक बूढ़े अंकल थे जो अपनी पत्नी के साथ बर्फीले मैदान के पास रहते थे। उनके बच्चे शहर रहने चले गए थे और उनके बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो बस गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने आते थे और सर्दियों में बूढ़े अंकल और उनकी बूढ़ी पत्नी को उन बच्चों की याद बहुत सताती थी। वो दिन भर खिड़की के पास बैठे रहते थे और दुख भरी आँखों से पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देखते थे। एक दिन बूढ़े अंकल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, सुनो मेरी प्यारी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर बर्फ में से अपने लिए एक पोती बना लें? बूढ़ी आंटी को बूढ़े अंकल का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। वो दोनों भागते हुए बाहर गए और उन्होंने बर्फ से अपने लिए एक पोती बनाना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा बर्फ का गोला बनाया और दोनों बहुत थक गए। ये तो अच्छा हुआ कि बाहर बर्फ में खेल रहे बच्चों ने उनकी मदद की। उन्होंने बर्फ के गोले पर हाथ और पैर लगाए और फिर सबसे ऊपर उन्होंने रखा उसका सिर। बूढ़े अंकल ने बनाई उसकी आँखें, उसकी नाक और उसका मुँह। और फिर बूढ़ी आंटी ने लगाए उसके कान और वो बर्फ की बच्ची बड़ी ही प्यारी लगने लगी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। अचानक उस गुड़िया ने अपनी आंखें झपकाई और वो जिंदा हो गई। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी तो खुशी से झूम उठे और उन्होंने उस लड़की का नाम रखा स्नो मेडन। स्नो मेडन तेजी से बढ़ने लगी थी और बसंत के आने तक तो वो अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। वैसे वो दिखने में तो बड़ी थी पर दिल से अब भी एक बच्ची ही थी। वो हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह शरारतें करती रहती थी। उसने घर की घड़ी तोड़ी और अपनी सबसे अच्छी ड्रेस फाड़ दी। बूढ़े अंकल को घड़ी ठीक करनी पड़ी और बूढ़ी आंटी ने उसकी ड्रेस सी दी। वक्त तेजी से निकल रहा था और जल्द ही बसंत का मौसम आ गया, जैसे कि एक कहानी में होता है। घास है हरी हरी, सूरज है चमकीला, बसंत का है मौसम आया, सब कुछ हो गया रंगीला। पर स्नो मेडन बहुत ही दुखी थी क्योंकि बूढ़े अंकल और आंटी उसे बाहर भेजने से डर रहे थे। अगर वो पिघल जाती तो? और बसंत के बाद आया गर्मियों का मौसम। सभी लोग तैर रहे थे, मजे कर रहे थे, पर स्नो मेडन खिड़की के पास बैठकर सब देख रही थी। बूढ़े अंकल और आंटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो हर रोज अपने बच्चों को चिट्ठियां लिखकर बच्चों के साथ वहाँ बुला रहे थे, क्योंकि स्नो मेडन अकेले बहुत ही दुखी थी और हर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए बूढ़े अंकल और आंटी ने स्नो मेडन को खिड़की से दूर रहने के लिए कहा। और जब घर में भी गर्मी बढ़ने लगी तो उन्होंने तय किया कि दिन में उसे रेफ्रिजरेटर में रखना ही सही होगा। एक बच्चे के लिए ऐसा जीना भी कोई जीना है भला? रेफ्रिजरेटर में बैठे रहना और चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाना। आखिरकार उन्हें शहर से एक टेलीग्राम आया, छुट्टी हो गई, हम सब आ रहे हैं। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी खुशी से नाचने लगे, जैसे कि वो जवान हो गए हों। और उन्होंने स्नो मेडन से कहा, तुम्हें बस थोड़ी ही देर और ये सब सहना होगा। हमारे वापस आने तक तुम बस रेफ्रिजरेटर में ही बैठी रहना। हम बस अपने पोते पोती को स्टेशन से लाने जा रहे हैं और वापस आते वक्त हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएंगे। और फिर वो चले गए। शाम हो गई। स्नो मेडन ने सोचा कि चलो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलकर खिड़की से देखा जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं। पड़ोस के बच्चे बाहर ही थे और आग के पास नाच रहे थे और फिर उन्होंने आग के ऊपर से छलांग लगाना शुरू किया। स्नो मेडन भी उनके पास जाकर उनके साथ खेलना और उछलना चाहती थी और वो सारी वार्निंग्स भूल गई और बाहर आ गई। फिर उसने सबको सरप्राइज देने का फैसला किया और वो वापस घर के अंदर जाकर पटाखे ले आई। फिर वो आग के पास गई और उस पर छलांग लगाई और फिर पता है क्या हुआ?
वो स्नो मेडन बदल गई एक छोटे से सफेद बादल में। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी स्टेशन से अपने पोता पोती को लेकर वापस आ गए और उन्होंने एक दुखी नन्हे बादल को अपने घर के ऊपर झूलते हुए देखा और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, बच्चों कभी आग के साथ मत खेलो और प्लीज रोना नहीं दादा दादी, मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी सर्दियों में, वो भी बर्फ बनकर, ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। तो तुम आग और पटाखे से खेलने के खतरों के बारे में सब समझ गए क्यों, है ना? तो फिर मैरी क्रिसमस। मछली पकड़ ली? क्या तुमने मछली पकड़ ली? मैं
मैं मछली कब पकड़ूंगी? मैं मछली कहाँ पकड़ूंगी? मैं मछली क्यों नहीं पकड़ पा रही? मैं कौन सी मछली पकड़ूंगी? मैं मछली कैसे पकड़ूंगी? मैं मछली कहाँ पकड़ूंगी? मैं कौन सी मछली पकड़ूंगी? मैं मछली कैसे पकड़ूंगी? जब मैं मछली पकड़ूंगी तो रस्सी ऐसे हिलेगी। जब हाथों में हो तुम्हारे जादू, चमके वो सूरज जैसा तेज, फिर खुशियों से हो जाओ बेकाबू और गाओ नाचो सबका रोमांच। जैसे गोल्डन फिश लहराती है तुम और तुम्हारे सपने हो पूरे, अच्छे और दोस्तों को प्यार दो तुम, ताकि वो तुम्हें भी प्यार करे। जैसे गोल्डन फिश लहराती है तुम और तुम्हारे सपने हो पूरे, बस रहो अच्छे और दोस्तों को प्यार दो तुम, ताकि वो तुम्हें भी प्यार करे। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब अभी हो जाओ शुरू।